पंजाब सरकार के केंद्र में दो वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली रविवार बठिंडा पहुंचे। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह गर्व प्रचार कर रहे हैं कि पंजाब कर्जदार हो रहा है। जलंधर में बेटी को कमरे से बाहर भेजकर फंदे से लटक गई बैंक कर्मचारी की पत्नी। राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए अकाली सांसद सुखदेव सिंह ढींसा ने 2017 विधानसभा चुनाव भाजपा से अलग होकर लड़ने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का बेतुका बयान, कहा आधा देश सूखे की समस्या का सामना कर रहा है, इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। सुषमा स्वराज ने कहा कि एनआईए टीम के दौरे के खिलाफ नहीं है पाकिस्तान। विदेश सचिव सत्रीय वार्ता रद्द नहीं हुई। कर्नाटक मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल, 14 हटाए गए, 13 नए शामिल। शिवसेना की 50वीं वर्षगांठ पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को फिर कोसा, कहा नहीं पता गठबंधन का क्या होगा। एनडीएमसी ऑफिसर एमएम खान हत्या मामले में बीजेपी सांसद महेश गिरी केजरीवाल के घर धरने पर बैठे। अफगानिस्तान में सरकारी कर्मचारी को लेकर जा रही मिनी बस में विस्फोट, 14 लोगों की मौत। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से जुड़े मदरसे को दी 30 करोड़ की मदद। चीन की अमेरिका को दो टुक, तिब्बत को लेकर ना दखल दे। इंडोनेशिया में बाढ़ के कहर से 35 की मौत, हजारों घर पानी में बहे। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रतिमा सिंह से की सगाई। टी20 का दूसरा मुकाबला आज, हरारे में मिली हार को भुलाकर जिम्बाब्वे के खिलाफ आज बराबरी करने में उतरे टीम इंडिया। विराट अनुष्का का होगा एक आशियाना, खरीदा 34 करोड़ का सुपर लग्जरी फ्लैट। ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, आरोपों को किया खारिज। बलराज सिंह केहड़ा बने एमटीवी रोडीज X4 के विजेता, बिग बॉस में चाहते हैं जाना। सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच पिछले काफी लंबे समय से चल रही नाराजगी के बाद अब सलमान ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। पंजाब सरकार के केंद्र में दो वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली रविवार बठिंडा पहुंचे।